हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंड एग्रीकल्चर में। तो हम फिर से नए वीडियो के साथ हॉर्टिकल्चर 221 का 2020-21 का पेपर सोल्व करेंगे। आज क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। पहला है निष्कलिकायन या डिसबडिंग। इसकी परिभाषा होती है साइड बड्स को हटाना परिपक्व खर्च किए गए फूलों को काटने के बजाय विघटन युवा पक्ष की कलिकाओं को हटाने और एक टर्मिनल कली को छोड़ने की प्रक्रिया को निष्कलिकायन कहा जाता है। दूसरी है इकेबानो। इकेबानो फूलों की व्यवस्था की एक जापानी कला है, जो फूलों की व्यवस्था को एक जापानी कला है। इसे कड़ी के नाम से भी जाना जाता है, इसे जापान में कड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में है बोनसाई। बोनसाई पेंचिंग के पारस्परिक चीनी कला के रूप में विकसित बर्तनों में लघु पेड़ों को उगाने और परीक्षण देने की एक जापानी कला है बोनसाई। इसके बाद में है परगोला। परगोला एक बाहरी उद्यान विशेषता है जो एक छायांकित पैदल मार्ग या ऊर्ध्वाधर पदों पर स्तंभों के बैठने के क्षेत्र को निर्माण करती है। इसके बाद में पांचवी परिभाषा स्टैंडर्ड। आप ही सोल्व करेंगे क्योंकि मेरे को आई नहीं, मिली भी नहीं है। इसके बाद में चौथा झाड़ियाँ पौधों एवं शाह के पौधों में अंतर। इसमें पहला है उद्यान योजना में अपने स्थायित्व के गुणों के कारण वृक्षों की भांति झाड़ीदार पौधों का महत्वपूर्ण योगदान है। शाह के पौधों में बॉर्डर या पट्टी अलग अलग फूलों की लगी हुई क्यारियों से अलग होता है। दूसरा अंतर है भूदृश्य उद्यानों का तो वे एक प्रमुख अंग होते हैं। क्यारियों को अलग अलग बनाकर प्रत्येक क्यारी में एक किस्म के पौधे उगाए जाते हैं। जब वे किसी ऊंचे वृक्षों की श्रृंखला में लगाए जाते हैं तो इस स्थान की सुंदरता में अधिवृद्धि कर देते हैं। इस प्रकार का शाह के किनारा सामान्यतः लोन के किनारे या सड़क चौड़े रास्ते के किनारे किनारे पर बनाते हैं। इसके बाद में है पर्वतारोही और लता में अंतर। पर्वतारोही को कोई अंतर ही नहीं मिला। इसके बाद में हमने लता का ही सोल्व किया है। पुष्प लताओं का अपना एक अलग ही साम्राज्य है तथा इनकी बहुत कड़ी बड़ी सम क्या है ये अपनी बनावट फूलों के रंग सुगंध एवं अन्य विशेषताओं के कारण प्रसिद्ध हैं। उद्यान घरों का सौंदर्य बढ़ाने पुष्प बहार की अवधि को बढ़ाने के लिए बेलों का उपयोग किया जाता है, लताओं का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में है पांचवा अलंकृत पौधों के मूल्य संवर्धित उत्पादों का सूचीबंध कीजिए। इसके बाद में अलंकृत पौधों की सूचियां बनानी है। इसमें पहला है मालाएं। सामान्य विभिन्न धार्मिक अवसरों स्वागत कार्यक्रम पूजन जन्मदिन शादी उत्सवों पर मालाओं का उपयोग किया जाता है। मालाएं चांदनी गुलाब गुलदावरी डहेलिया एस्टर आदि से बनाई जाती है। इसके बाद में है बुके जो ब्याह शादी में देते हैं। बुके मुख्यतः शादी के अवसर पर मेहमानों के स्वागत के लिए अन्य सामाजिक रीति रिवाजों में बुके का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में तीसरा है गजरा एवं पुष्प प्रसादन। भारत में मुख्यतः शादी के अवसर पर दूल्हे दुल्हन को सजाने में महिलाओं द्वारा चोटी सजाने में गजराओं का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में शादी के मंडप सजाने में बटन होल के सजाने में कटपलोहर। इसके बाद में सुगंधित तेल इत्र। सुगंधित तेलों के अलावा बहुत अधिक मात्रा में गुलाब चंपा केवड़ा का इत्र भी बनाया जाता है। इसके बाद में गुलदावरी का प्रवर्धन। गुलदावरी का प्रवर्धन दो प्रकार से किया जाता है। पहला है बीज द्वारा। गुलदावरी की एक वर्षीय किस्मों को पौधशाला में बीज बोकर पौध तैयार की जाती है। पौध को सितंबर अक्टूबर में क्यारियों में लगाया जाता है जो उत्तरी भारत में फरवरी से अप्रैल तक फूल देते हैं। इन किस्मों के पौधे लगभग 60 से 75 सेंटीमीटर तक ऊंचे बढ़ते हैं। दूसरी विधि है जड़वे लगाकर। गुलदावरी की एक वर्षीय किस्मों को जड़वों द्वारा उगाया जाता है। इस प्रकार की गुलदावरी में
जब ऐसी किस्में उपलब्ध हैं जिन्हें लगभग पूरे वर्ष तक उगाया जा सकता है और हर मौसम के लिए लगभग अलग अलग किस्में जो मौसम के अनुसार खेत में लगाई जाती है जड़वे के विधि द्वारा विधि प्रवर्धन द्वारा। इसमें अधिकतर डबल कोरियन टाइप जैसी बीरबल सहनी किस्म की खेती की जाती है। इसके बाद में छठा, खस की खेती का विस्तृत वर्णन। यह आपको कहीं नहीं मिलेगा। खस खस कड़ी पर्वती का घास है जो सूखने की स्थिति एवं जल जमाव दोनों को बर्दाश्त कर लेता है। इनकी खेती विभिन्न प्रकार के मृदाओं जैसे ऊसर, जलमग्न, उबड़ खाबड़, गड्ढे युक्त में आसानी से उगाया जा सकता है। खस को खस का उपयोग उसकी जड़ों से उच्च गुणवत्ता का तेल प्राप्त किया जाता है। जो खस है, खस का उपयोग उच्च गुणवत्ता तेल के लिए किया जाता है। मृदा एवं जलवायु खस की भारी एवं मध्यम श्रेणी की मृदाएं जिसमें पोषक तत्वों की प्रचुर मात्रा हो। खस गर्म एवं तर जलवायु में अच्छी पनपती है। गर्म एवं तर जलवायु में अच्छी पनपती है ये फसल। छायादार स्थानों में जड़ों की वृद्धि अधिक नहीं होती है। खेत की तैयारी, खस का पौधा कठोर पर्वतीय का होने के कारण मामूली देखभाल एवं मृदा की तैयारी में लगाया जाता है। 2 से 3 गहरी जुताई की जाती है खस की। इसके बाद में खस का प्रवर्धन, उत्तर भारत में प्रवर्धन 6 से 12 माह के मुंडो से कलम स्लिप मुंडो होता है जो उत्तर भारत में उपयोग किया जाता है। और कलम स्लिप में 2 से 3 कलमें होनी चाहिए। नई प्रजातियां विकसित करने के लिए बीज से पौधे तैयार किए जाते हैं। जो इसकी रोपण की जो दूरी है वो है 60x60 सेंटीमीटर। खाद एवं उर्वरक की बात करें तो NPK 60-25-25 kg प्रति हेक्टेयर। किस्म की बात करें तो KS1, जितनी भी KS लग के आएगी वो खस की किस्म है। इसके बाद में इसकी उपज की बात करें तो 35 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तो जड़ होगी इसकी, और 20 से 30 kg प्रति हेक्टेयर इसके अंदर ना तेल प्राप्त किया जाता है खस से। इसके बाद में औषधीय पौधों का वर्गीकरण करें। औषधीय पौधों को निम्न 9 भागों में बांटा गया है। इसमें पहला है मेघ आदि वर्ग, नाड़ी संसाधन संधान पर क्रम करने वाला द्रव्य है। इसके अंदर पहला है मेघ्य यथा, इसमें उदाहरण है मंडू कर्पणी, शंख पुष्पी, ब्राही। इसके बाद में दूसरा मदकारी, अपिहेन और भांग सुनते मजा आ गया होगा। इसके बाद में संज्ञा स्थापन यथा बंज, चटामांझी, रुचोरक। इसके बाद में निद्राजनक यथा सर्पगंधा। इसके बाद में दूसरा है चतुष्यादि वर्ग, इसमें कान, नाक, आँख, जीभ और त्वचा, इन इंद्रियां दिष्टों पर विशेष रूप से कार्य किया जाता है। इसके बाद में तीसरा है इद्याति वर्ग, रक्त बह संसाधन पर क्रम करने वाले द्रव्य। इसके बाद में छेद नादी वर्ग श्वसन संसाधन पर क्रम, छेद नादी में श्वसन से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं उनमें इनका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में दीप नादी वर्ग, पाचन से संबंधित सभी क्रियाओं में इनका प्रयोग किया जाता है दीप नादी वर्ग का। फिर है अश्रोधन वर्ग। इसके बाद में वृष्यादि वर्ग, प्रजनन से संबंधित है वृष्यादि। इसके बाद में मूत्रलादि वर्ग, इसमें मूत्रवाहक के प्रति जितनी भी बीमारियां हैं वो आ जाएगी। ज्वर दांधि, इसमें बुखार जुकाम सभी आ जाएंगे ज्वर नादी में। इसके बाद में ग्वारपाटा एवं सतवार की खेती का वर्णन। पहला है ग्वारपाटा की खेती, ग्लोए बारबेंडिसिस इसका वैज्ञानिक नाम है, कुले लिलियसी। ग्वारपाटा का पौधा बहुवर्षीय स्वभाव का होता है जो 30 से 60 सेंटीमीटर तक ऊंचा होता है। ग्वारपाटा को अलकारी पौधे के रूप में भी जाना जाता है, अलकारी पौधे के रूप में भी उगाया जाता है। सड़कों के किनारे लैंडस्केपिंग हेतु बाड़ के रूप में भी उगाया जाता है ग्वारपाटे को। इसकी जो प्रजातियों की बात करें ग्वारपाटे की, तो इसकी प्रजातियाँ हैं एलोए वेरा, एलोए इंडिका, एलोए फेरोक्स, एलोए एबिसिनिका, एलोए रूपनेंस,
जफराबादी ग्वारपाटा। जो इसकी किस्म की बात करें तो IC 111-271, इसकी एक ही किस्म में है IC 111-273 IC, मतलब इसके IC लग के जितनी भी किस्में आएंगी वो ग्वार पाटा की है। संख्या आप कुछ भी लगा सकते हैं इसके आगे पीछे। इसके बाद में जो इसकी मेन किस्म है वो है अकथा AL1, ये लखनऊ से विकसित की गई है, अधिक उत्पादन भी यही देती है। इसके बाद में औषधीय उपयोग कफ विकार, अग्निद्वद, बवासीर, खांसी, कब्ज, यकृत सूजन के लिए भी इसका औषधि में उपयोग किया जाता है। इसकी उपज की बात करें तो 50,000 KG प्रति हेक्टेयर पत्तियां इसकी प्राप्त की जाती है ग्वार पाटा की। इसके बाद में सतवार की खेती, सतवार को सतावरी भी कहते हैं, इसका बोटनिकल नेम है एस्पेरेगस रेसिमोसस, इसका कुल है एलियासी, इसकी उत्पत्ति है अफ्रीका या एशिया। सतवार एक बहुवर्षीय पौधा है जो 90 से 150 सेंटीमीटर तक ऊंचा है। सतवार की 22 प्रजातियां हैं। भारत में एसोरिगस रेसिमोससी को ही उपयोग में लिया जाता है। जो इसके औषधीय उपयोग की बात करें तो शक्तिवर्धक, टॉनिक, दुग्धवर्धक, मानसिक तनाव से मुक्ति, शरीर पीड़ा निवारक, पेट संबंधी विकारकों को दूर करने के लिए भी इसका औषधीय उपयोग किया जाता है सतवार का। प्रवर्धन की बात करें तो प्रवर्धन बीज द्वारा पुराने पौधे से प्राप्त होने वाले राइजोम में डिस्क कलमों द्वारा, पौधशाला 100 वर्ग फीट की नर्सरी, इस समय की बात करें तो जून जुलाई में, और रोपाई की जाए इसकी तो 40 से 45 दिन बाद। खुदाई की बात करें तो रोपण के 18 से 24 माह के बाद इसकी खुदाई की जाती है। और जो इसकी उपज की बात करें तो 350 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तो ये गीली होती है, और 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उपज जो सूखी मिलती है। अगला क्वेश्चन है गुलाब की खेती का विस्तृत वर्णन, रोजा स्पीसीज का पूरा वर्णन आपको 2018-19 के पेपर में सोल्व मिल जाएगा, अगली वीडियो देख लीजिएगा। इसके बाद में हम लेमन ग्रास एवं ग्लैडुलस की खेती का विस्तृत वर्णन करेंगे। इसमें लेमन ग्रास को नींबू घास भी कहा जाता है, इसका वैज्ञानिक नाम है सिम्बो पोगोन फ्लेक्सू ओसिस। कुल की बात करें तो APAC और ग्रेमनी। उत्पत्ति है इसकी भारत, जिसको इसका प्रमुख उपयोग किया जाता है। नींबू घास के पत्तों का उपयोग, नींबू घास के पत्तों बहुत उपयोगी है। इसके पत्तों का बहुधा उपयोग हर्बल चाय, नींबू चाय अथवा ऐसी हर्बल चाय निर्माण हेतु किया जाता है। नींबू घास के तेल का उपयोग साबुन बनाने के लिए, इसके तेल में जीवाणुरोधी गुण पाए जाते हैं जो बुखार के उपचार और मच्छरों को भगाने हेतु प्रयुक्त है। जो इसकी जलवायु की बात करें तो उष्ण एवं आर्द्र, 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। प्रवर्धन की बात करें तो बीज द्वारा, और इसकी दूरी है 60x60 सेंटीमीटर प्रवर्धन है बीज द्वारा। स्लिप द्वारा भी इसका प्रवर्धन किया जाता है। बीजों से बुआई करने की अपेक्षा नींबू घास की रोपाई की सर्वोत्तम विधि है स्लिप द्वारा। जो इसकी रोपाई की जाती है वो की जाती है जुलाई अगस्त में, और जो अधिक उत्पादन देती है तो वो देती है फरवरी मार्च में, अधिक उत्पादन अधिक उपज के लिए। उर्वरक की बात करें तो NPK की मात्रा 140-140 KG प्रति हेक्टेयर की रिक्वायरमेंट रहती है। जो इसकी कटाई की बात करें तो फसल बोने से 5 से 6 माह बाद वर्ष में 3 से 4 बार कटाई ली जाती है। उपज है प्रथम कटाई में 12.5 से 15 KG तेल प्रति हेक्टेयर निकलता है, और द्वितीय कटाई में 50 KG तेल, इसमें अधिक उत्पादन लिया जाता है द्वितीय कटाई में। ग्लैडुलस की खेती, ग्लैडुलस एक शाकीय बहुवर्षीय पौधा है जिसका प्रवर्धन बीज एवं घन कंदों के द्वारा किया जाता है। जिसकी किस्म की बात करें तो ग्लैडुलस की लगभग 30,000 किस्में हैं। इसमें से मुख्य मुख्य किस्में ली मैंने अमेरिकन ब्यूटी, यूरोपी विजन, ब्लूबर्ड, ये बैंगनी रंग की है किस्में हैं, ब्राउन ब्यूटी, अरुण, अग्निरेखा, ओस्कर और इत्यादि। इसकी जलवायु की बात करें तो इसके लिए 16 डिग्री सेंटीग्रेड उपयुक्त तापमान रहता है, और जो प्रवर्धन है इसका
बीज द्वारा, घन कंद और टिश्यू कल्चर द्वारा भी किया जाता है। जो इसकी उपज की बात करें तो 70,000 से 75,000 स्पाइकियों की उपलब्धि होती है। थैंक यू सो मच।